वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशांत शंभरकर और आप देख रहे हैं हम लोगों का चैनल जिसका नाम है सीक्रेट बातें फॉर यू। दोस्तों आज मैं आया हूँ वही KTM के शोरूम में जहाँ पर इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर में आई बटन में जाकर वो बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में देख रहे हैं, अभी जो है KTM का न्यू लॉन्च हुआ है, जो है 125 KTM के जो है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पर अभी सभी लोग आए हुए हैं और जो भी है यहाँ पर अभी जो है यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है KTM 125 का आज फर्स्ट लॉन्चिंग है और ये खामला का जो KTM का जो शोरूम है यहाँ पर फर्स्ट गाड़ी यानी कि आज लॉन्च होने वाली है, इसलिए आज हम यहाँ पर इस इनॉग्रेशन में यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। As you all know, हम यहाँ पे एक आज स्पेशल ओकेजन फॉर KTM है, इसलिए गैदर हुए हैं। ड्यूक 125 जो कि काफ़ी जब से KTM इंडिया में है, काफ़ी 4-5 सालों से, even though the bike was not here, there have been a lot of inquiries for Duke 125 specifically. We believe that our customers are our own brand ambassadors, so a big round of applause for them. तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जो है इसका जो लॉन्चिंग है यहाँ पर हो चुकी है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर बाइक है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया। तो चलिए हम लोग और इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। सो रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड द लेटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ KTM, दैट इज KTM ड्यूक 125। इट्स द लेटेस्ट एडिशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 SKUs दैट वी हैव, एंड वी कैन से द ड्यूक एटीट्यूड स्टार्ट्स हियर। टू टॉक अबाउट द बाइक, we have a stainless frame, which is the USP of KTM. It's used in almost all the sports and super sports bikes of the world. It has got an aluminium swing arm here. It has got an underbelly exhaust. It is the segment first DOHC, dual overhead camshaft, which helps the bike achieve higher power at higher RPM. Secondly, there's a digital cockpit, again segment first digital cockpit. This is the segment first single channel ABS by Bosch, segment first WP suspension, segment first USD front fork, upside down front fork. And again it is a liquid cooled FI engine. So that's pretty much about the features of the bike. Talking about the specifications, it's a 14.5 bhp power and 12 newton meter of torque. That's all. Thank you. फाइनली आज का जो वीडियो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको आज का वीडियो कैसे लगा इसके बारे में हमको कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में हमारा जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नागपुर के अच्छे अच्छे व्लॉग मैं बनाते रहूँगा, जो कि मैं अभी अभी धीरे धीरे बनाते रह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।